टॉप फोर बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 30,000 रुपीज। तो हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गैजेट्स दुनिया पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने बात करी है आपकी नीड आपकी यूजर्स के बेसिस पर टॉप फोर स्मार्टफोन्स के बारे में, जो आपको 30,000 के बजट में बेस्ट स्पेसिफिकेशंस के साथ देखने को मिलते हैं। और इन सारे स्मार्टफोन में आप हैवी गेमिंग मल्टीटास्किंग कर सकते हैं और ये सारे टास्क आपके स्मार्टफोन में स्मूथली वर्क करेंगे। सो अगर आपको भी 30,000 के बजट में एक बढ़िया सा स्मूथ रनिंग स्मार्टफोन चाहिए तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरी और सही जानकारी मिल पाए। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर के भी अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें हमारी लिस्ट के फर्स्ट नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में तो वो आता है IQ की तरफ से IQ Neo 7 5G स्मार्टफोन। अगर बात करें इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की तो तकरीबन आपको यह स्मार्टफोन 27-28,000 के बजट में आराम से देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस के तौर पर देखने को मिल जाता है MediaTek Dimensity 8200 का चिपसेट, जो कि 3.1 GHz पर क्लॉक्ड एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। इसके अलावा आपको यहाँ पे 8GB का रैम सपोर्ट एंड प्लस 8GB की वर्चुअल रैम सपोर्ट देखने को मिल जाती है। इसके अलावा आपको 128GB की इनबिल्ट मेमोरी भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। वहीं पर अगर बात करें इस स्मार्टफोन के बैटरी स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो यहाँ पर आपको 5000mAh की एक काफ़ी बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि 120W की फ्लैश चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। वहीं पर अगर बात करें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो यहाँ पर आपको 6.78 इंचेस का एक काफ़ी बढ़िया एमोलेड पैनल देखने को मिल जाता है, जो कि 1018x2400 पिक्सल्स का है। और यह जो डिस्प्ले पैनल है वो 388 PPI पिक्सल डेंसिटी पे वर्क करता है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे HDR10+ का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पे आपको 1300 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। सो जब भी आप इसे आउटसाइड में यूज़ करेंगे तब आपको यहाँ पे स्क्रीन जो होगी इसकी आराम से विजिबल होगी और HDR10+ का सपोर्ट देखने को मिलता है। सो जब भी आप कोई कंटेंट कंज्यूम करोगे किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का या फिर किसी अदर प्लेटफॉर्म से तो यहाँ पे आपको जो एक्सपीरियंस रहेगा वो काफ़ी बढ़िया रहेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे स्मूथ एक्सपीरियंस फील कराने के लिए 120Hz का रिफ्रेश रेट सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सो जब भी आप अपने स्मार्टफोन में कुछ भी यूज़ करोगे या कुछ भी स्क्रॉल करोगे तब आपको यहाँ पे काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस फील होगा। वहीं पे अगर बात करें इस स्मार्टफोन के फोटोग्राफी फीचर्स की तो वो भी काफ़ी कमाल के देखने को मिल जाते हैं, बिकॉज आपको यहाँ पे 64MP +2MP+2MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है विद OIS सपोर्ट। और जब भी आप इस कैमरा सेटअप के साथ वीडियोज़ को रिकॉर्ड करने जाएंगे तो आप यहां से मैक्सिमम 4K क्वालिटी में 30fps पर UHD में अपनी वीडियोस को इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं। सामने वाले सेंसर की बात करी जाए तो 16MP का आपको एक सामने की तरफ भी सेंसर देखने को मिल जाता है। सो ये कुछ स्पेसिफिकेशंस आपको देखने को मिलते हैं हमारी लिस्ट के फर्स्ट नंबर वाले स्मार्टफोन में। तो अब बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के सेकंड नंबर वाले स्मार्टफोन की तरफ। तो सेकंड नंबर वाला जो स्मार्टफोन है वो आता है वीवो की तरफ से वीवो V27 स्मार्टफोन। और अगर बात करें इस स्मार्टफोन के प्राइसिंग की तो तकरीबन आपको यह स्मार्टफोन अगर आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो 32-33,000 आपको देखने को मिलेगा, बट अगर आप इसे ऑफलाइन लेने जाते हैं तब आप इसे अंडर 30,000 आराम से क्रैप कर सकते हैं। तो अगर बात करें इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस के तौर पर MediaTek Dimensity 7200 का चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि 2.8GHz पर क्लॉक्ड एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। इसके अलावा आपको इस स्मार्टफोन में 8GB का रैम सपोर्ट एंड प्लस 8GB की वर्चुअल रैम सपोर्ट देखने को मिल जाती है एंड 128GB की इनबिल्ट मेमोरी भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। वहीं पे अगर बात करें इस स्मार्टफोन के बैटरी स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो यहाँ पर आपको 4600mAh की एक काफ़ी बढ़िया बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि 6W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। इसके साथ साथ अगर बात कर लें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो यहाँ पर आपको 6.78 इंचेस का एक काफ़ी बढ़िया एमोलेड पैनल देखने को मिल जाता है, जो कि 1018x2400 पिक्सल्स का है। और ये जो डिस्प्ले पैनल है ये भी सेम 388 PPI पिक्सल डेंसिटी पे वर्क करता है एंड यहाँ पे आपको AG ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। एंड ये जो डिस्प्ले है वो एक कर्व डिस्प्ले है, सो जब भी आप कोई कंटेंट कंज्यूम करोगे तो वैसे भी आपका एक्सपीरियंस जो रहेगा यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन रहेगा। इसके साथ साथ आपको HDR10+ का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है एंड फॉर स्मूथ एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे 120Hz का रिफ्रेश रेट सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर बात कर लें इस स्मार्टफोन के फोटोग्राफी फीचर्स की तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी बढ़िया कैमरा स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं, बिकॉज आपको यहाँ पे भी 50MP का प्राइमरी सेंसर प्लस 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और प्लस 2MP का एक थर्ड आपको यहाँ पे सेंसर देखने को मिल जाता है विद OIS सपोर्ट। और जब भी आप अपने इस कैमरे सेटअप के साथ वीडियोज़ को रिकॉर्ड करने जाएंगे तो आप यहाँ से भी मैक्सिमम 4K क्वालिटी में 30fps पर UHD में अपनी वीडियोज़ को ईजिली रिकॉर्ड कर सकते हैं। सामने वाले सेंसर की बात करी जाए तो 50MP का आपको एक सामने की तरफ भी सोनी IMX766V का सेंसर देखने को मिल जाता है और इस स्मार्टफोन में आपको सामने की तरफ भी OIS का सपोर्ट देखने को मिलता है। सो फोटोग्राफी के मामले में यह स्मार्टफोन काफ़ी बढ़िया हो जाता है। और अगर आपको ब्लॉगिंग के लिए कोई स्मार्टफोन बाय करना है इस बजट रेंज में
तो आप इस स्मार्टफोन की तरफ बेशक जा सकते हैं। तो ये तो रहे हमारी लिस्ट के सेकंड नंबर वाले स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स। अब बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के थर्ड नंबर वाले स्मार्टफोन की तरफ। तो दोस्तों थर्ड नंबर वाला जो स्मार्टफोन उन लोगों के लिए है जिनको 30,000 के बजट में फ्लैगशिप स्पेसिफिकेशन चाहिए, तो वो लोग इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। तो वो स्मार्टफोन आता है मोटोरोला की तरफ से, मोटो एच 45G स्मार्टफोन। और इस स्मार्टफोन में आपको एकदम फ्लैगशिप वाले स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं। सो जिन भी लोगों को फ्लैगशिप स्पेसिफिकेशन चाहिए वो लोग इस स्मार्टफोन को बाय कर सकते हैं। अगर बात करें इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की, तो तकरीबन आपको यह स्मार्टफोन ऑनलाइन मार्केट में 30,000 रुपीज़ तक का देखने को मिलेगा। बट अगर आप इसे कार्ड डिस्काउंट लगा खरीदते हैं तब आप इसे और सस्ता भी ग्रैब कर सकते हैं। तो अगर बात करें इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस के तौर पर देखने को मिल जाता है मीडियाटेक डायमेंसिटी का 8020 का चिपसेट, जो कि 2.6 GHz पर क्लॉक्ड एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। इसके अलावा आपको 8GB का रैम सपोर्ट एंड प्लस 256GB की इनबिल्ट मेमोरी देखने को मिल जाती है। वहीं पे अगर बात करें इस स्मार्टफोन के बैटरी स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको 4400mAh की काफी बढ़िया बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि 68W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट एंड 15W की वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। तो यहाँ पे आपको बैटरी स्पेसिफिकेशन काफी बढ़िया देखने को मिल जाते हैं, और जो वायरलेस चार्जिंग है वो एक फ्लैगशिप स्पेसिफिकेशन माना जाता है। सो आपको इस बजट में भी आपको यह स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर बात करें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले भी काफी बढ़िया देखने को मिल जाती है, बिकॉज आपको यहाँ पे 6.55 इंचेस का एक काफी बढ़िया OLED पैनल देखने को मिल जाता है, जो कि 1080x2400 पिक्सल्स का है। और ये जो डिस्प्ले पैनल है वो 402 PPI पिक्सल डेंसिटी पे वर्क करता है। इसके साथ साथ आपको HDR10+ का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, एंड 1200 nits तक की आपको यहाँ पे पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। और ये स्मार्टफोन भी कर्व डिस्प्ले के साथ आता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे स्मूथ एक्सपीरियंस फील कराने के लिए हाईएस्ट 144Hz तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सो इस स्मार्टफोन में आपको स्मूथ एक्सपीरियंस कुछ ज्यादा ही फील होगा। सो ये तो रहे हमारी लिस्ट के थर्ड नंबर वाले स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस एंड फीचर्स। अब बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के फोर्थ नंबर वाले स्मार्टफोन की तरफ। तो दोस्तों फोर्थ नंबर पे हमने रखा है नथिंग की तरफ से आने वाला नथिंग फोन 1 को, और ये स्मार्टफोन भी आपको 28-29 हज़ार के बजट में आराम से देखने को मिल जाता है। सेल के दौरान आप इसे और सस्ता भी क्रैप कर सकते हैं। तो अगर बात करें इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर भी आपको परफॉर्मेंस के तौर पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G+ का चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि 2.5 GHz पर क्लॉक्ड एक ऑक्टो कोर प्रोसेसर है। इसके अलावा आपको यहाँ 8GB का रैम सपोर्ट एंड प्लस 128GB की इनबिल्ट मेमोरी देखने को मिल जाती है। वहीं पे अगर बात करें इस स्मार्टफोन के बैटरी स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको 4500mAh की काफी बढ़िया बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि 33W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। और यहाँ पे आपको 15W का QI वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। सो हाँ, इसमें भी आपको थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर भी आपको डिस्प्ले के तौर पर काफी बढ़िया स्पेसिफिकेशंस देखने को मिल जाते हैं। बिकॉज अगर बात करें डिस्प्ले साइज की, तो यहाँ पर आपको 6.55 इंचेस का एक OLED पैनल देखने को मिलता है, जो कि 1080x2400 पिक्सल्स का है। और ये जो डिस्प्ले पैनल है वो 402 PPI पिक्सल डेंसिटी पे वर्क करता है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे भी HDR10+ का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, एंड 1200 nits तक की आपको यहाँ पे भी पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ आपको स्मूथ एक्सपीरियंस फील कराने के लिए 120Hz तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहीं भी अगर बात करें इस स्मार्टफोन के कैमरा स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको 50MP प्लस 50MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है विद OIS सपोर्ट। और जब भी आप इस कैमरे सेटअप के साथ अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड करने जाएंगे, तो आप यहाँ से मैक्सिमम 4K क्वालिटी में 30fps पर अल्ट्रा HD में अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। सामने वाले सेंसर की बात करी जाए, तो 16MP का आपको एक सामने की तरफ भी सेंसर देखने को मिल जाता है। सो ये रहे टॉप 4 स्मार्टफोन जो आपको 30,000 के बजट में आराम से देखने को मिल जाते हैं। और आप इन चारों स्मार्टफोन में किसी भी स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। एक और स्मार्टफोन रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है रियलमी की तरफ से, रियलमी 11 प्रो प्लस स्मार्टफोन। आप उस स्मार्टफोन को भी चेकआउट कर सकते हैं, वो भी इस बजट में काफ़ी बढ़िया स्पेसिफिकेशंस के साथ आता है। और अगर आपका बजट जो है 32-33 हज़ार रुपीज़ तक चला जाता है, तो आप IQOO Neo 7 Pro स्मार्टफोन की तरफ भी जा सकते हैं। सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा कौन से स्मार्टफोन की तरफ आपको जाना चाहिए। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो या कुछ भी आपको हेल्प मिली हो, तो इस वीडियो को सिंपली कर दीजिए एक लाइक और चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले ऑनलाइन टेस्टिंग वीडियो में। तो तब तक के लिए राधे राधे।